मिर्जापुर तो मतलब उससे पहले अगर मीटू का नहीं है तो लेकिन सेक्सिज्म डेफिनेटली है। आपके लिए शायद बहुत फनी होगा लेकिन जो सामने वाला है या उसके जो इम्प्लिकेशंस होते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं धर्म दुबे, आप देख रहे हैं hindirush.com और मेरे साथ हैं बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड श्वेता त्रिपाठी। थैंक यू सो मच। इंडस्ट्री की बात करें, कई ऐसे मामले विवादित आते हैं सामने, सुनने को, पढ़ने को, देखने को, और काफी एक्ट्रेस इस चीज से आहत भी हैं, वो नहीं जाना चाहती। मैं फिलहाल साफ तौर से मैं शोषण की बात कर रहा हूँ कि एक्ट्रेस को कितना कुछ झेलना पड़ता है। मीटू जैसे मूवमेंट भी आ चुके हैं, आपने भी सुना ही होगा। श्वेता को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? फिलहाल मैं यहाँ सिर्फ सोशल शोषण को लेकर बात कर रहा हूँ। क्या आपने भी कभी ऐसी कोई चीज झेली है किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से, या फिर आप इंडस्ट्री को कैसे देख रहे हो? थैंकफुली नॉट, मतलब आज तक मुझे ऐसा भी एक भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। बट देन अगेन द काइंड ऑफ पीपल आई वर्क विद, क्योंकि जो लोग मसान और हरामखोर और गौनकेश ऐसी फिल्में बनाते हैं तो वो आपकी सोच वैसे हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आपकी सोच वैसी होगी तो आप ऐसे पिक्चर नहीं बना सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि सिर्फ एक्ट्रेसेस के साथ नहीं होता है, मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि डिफरेंट, कोई लॉयर है तो कोई डॉक्टर है, एंड उनके साथ ये होता है, उनके वो दे हैव टू, अगर मी टू का नहीं है तो लेकिन सेक्सिज्म डेफिनेटली है। तो एज अ सोसाइटी आई थिंक वी हैव टू फाइट दैट एंड वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हमारा जो बिहेवियर है, जिस तरह से हम बात करते हैं, जो मजाक में जोक की तरह बोल देते हैं। आपके लिए शायद बहुत फनी होगा लेकिन जो सामने वाला है या उसके जो इम्प्लिकेशंस होते हैं वो बहुत सीरियस होते हैं, जिंदगियां नष्ट हो जा रही हैं। एग्जैक्टली, जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन इनाक्षी में आप फिल्म में भी एक सीन देखेंगे कि सब उसको कहते हैं कि इसके पीछे ब्राउन आइलैंड है, सर पे आइलैंड है, तो उनके लिए जोक ऐसा हंस रहे हैं, लेकिन आप किसी के ड्रीम्स को, किसी के कॉन्फिडेंस को आप एकदम कुचल देते हैं, कुचल रहे हैं, दबा रहे हैं। बिल्कुल, तो आई थिंक एज अ सोसाइटी हमें थोड़ा सपोर्टिव होना चाहिए। लेकिन श्वेता, मुझे ऐसा लगता है और शायद आपको भी लगता होगा, मीटू मूवमेंट आने के बाद बहुत बड़ा ये जब लेवल हो गया तो आज कहीं ना कहीं लोग डरते हैं। एब्सोल्युटली, सब केयरफुल हो गए, मतलब बोलने से पहले अब सोचते तो यार ये मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, या फिर अगर हाथ यहाँ रखूँ या नहीं रखूँ, तो वो तो डेफिनेटली हो गया। तो वो आई थिंक मी टू मूवमेंट बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है जानना कि आप अकेले नहीं हैं। आप अगर बोलेंगे सही बोलेंगे, लेकिन वही कुछ लोग होते हैं जो फ़ायदा उठाते हैं ऐसी सारी चीज़ों का। सो बट अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी तकलीफ है, जस्ट नो दैट आप अकेले नहीं हो, हम सब हैं आपके साथ। बिल्कुल, एक्ट्रेस जो है वो बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा धमाल मचा रहे हैं। फिलहाल खुशी की बात यह है कि कंगना रनौत जो है वो 25 करोड़ रुपए ले रही है अपनी जो पूर्व नेता, जो दिवंगत नेता रही हैं जयललिता, उनकी बायोपिक बन रही है और कंगना को मिल रहा है। अच्छा, 25 करोड़ की बात करें, शाहरुख, सलमान, आमिर, इनके रेट्स हैं, इनकी फीस है, तो कैसा फील करते हो जब एक एक्ट्रेस को इतने ज्यादा अमाउंट मिलते हैं? मुझे लगता है कि एक्चुअली हमारी अगर मूवीज देखी जाए ना तो बहुत मेल डोमिनेंट पिक्चर्स होती हैं। तो अब अगर सिनेमा में लोग आ रहे हैं हीरो देखने, तो फिर हीरो को तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे ना मिलेंगे। बिल्कुल सही। तो मुझे वो लगता है कि जस्ट बिकॉज हॉलीवुड में हो रहा है या किसी और इंडस्ट्री में हो रहा है, डेफिनेटली इक्वल पे होना चाहिए, पर मेहनत दोनों को इतनी होनी चाहिए, इक्वालिटी हर लेवल पे होनी चाहिए, सिर्फ पे में नहीं। श्वेता तो अपने मन की कर ही रही है, लेकिन आपको जो आपके फैंस है वो किसी और मन में भी देखना चाहते हैं, फिर चाहे कॉमेडी की बात कर लूँ, कमर्शियल फिल्मों की बात कर लूँ, तो आप करना चाहती हैं या आपको कोई ऑफर अभी तक आया है, कुछ बताना चाहेंगे हमारे? मुझे तो मैंने कल ही एक म्यूजिक वीडियो शूट किया अनुराग कश्यप के साथ, और वैसे ही एक्टिंग, वैसा कैरेक्टर मैंने लाइफ में नहीं किया है, और मुझे इतना मजा आया। तो आई हैव रियलाइज कि मैं अपने आप को जैसे, आई थिंक इमोशन एंड ड्रामा इज माई कम्फर्ट जोन बिकॉज आई लव इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को रुलाना या लोगों को फील कराना, या फिर वो एक जो प्यार वाली फीलिंग होती है। तो कल पहली बार मैं थोड़ा कॉमेडी के साथ खेला, तो मुझे रियलाइज हुआ कि अपने आप को पुश करना बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली मैं अपने आप को अलग अलग किरदारों में दिखाना चाहती हूँ ऑडियंसेस को, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी ऑडियंस कभी फील करे कि अरे यार ये तो हमने पहले दिखा है श्वेता को करते हुए। खैर, बहुत सारी बधाई आपके इस फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच के लिए। तो दोस्तों, देखा आपने, बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी और बहुत काम वाली बातें श्वेता ने आप तक पहुंचाई है। ये वीडियो अगर आपको ज्यादा पसंद आया है, श्वेता के साथ हमारी बातें आपको बहुत ज्यादा पसंद आई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। श्वेता से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जी बिल्कुल, लाइक करिए, बने रहिए, देखते रहिए हिंदी रश। थैंक यू।